गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:30 बज चुके हैं। कल मैं रात को एडिटिंग करते करते सो गया और आज सुबह जल्दी उठना था, उसकी वजह से थोड़ा आंखों के नीचे पफिनस सा फील हो रहा है। बट खैर, अभी मैं फ्रेश अप हो जाता हूँ और चलते हैं स्टोर पे। आज कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली लॉकडाउन दिख रहा है, मतलब सब जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। अभी जो स्टोर पे जो जाने वाला रास्ता है वो भी बंद है। तो अभी ये देखो सामने यहाँ पे देशमुख रोड आरपीडी के जाने वाला रोड पूरा बैरिकेड से क्लोज कर दिया गया है। तो अभी थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा स्टोर पे। और ये देखो लाइफ एंजॉय करते हुए। कहाँ लाइफ एंजॉय कर रहे हो? तो फिर सर, हम तो स्टोर से घर, घर से स्टोर, और हमारा काम ही नहीं है। हाँ, ये सिलेंडर अरेंज कर रहे हैं। किसका सिलेंडर? पेशेंट के लिए। अच्छा, ऑक्सीजन सिलेंडर। हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर। ग्रेट है सर, आप तो सिल्वर कर रहे हैं। आप फ्रेंड है संतोष दरेकर, उनके पास हम गए थे। हाँ, तो सब अरेंज करके आए हैं। ओके ओके ओके, कहाँ पे अरेंज करना है मतलब सर? इधर ही है, पेशेंट का अभी डिस्चार्ज करना है। पेशेंट हॉस्पिटल में है। ओके 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 सर, अच्छा काम कर रहे हैं सर। Keep doing. Thank you. अच्छा, अभी आज क्या हो रहा है ना, आरपीडी वगैरह सभी टोटल बंद है, बैरिकेड्स लगा दिए। सब टोटली। अभी मैं घूम के गोवा वेस्ट से स्टोर पे गया था। गणपत गली पे। तो अभी ऐसा तो चालू है ना, फर्स्ट गेट। तो ये था मेरा फ्रेंड मंदार कोल्हापुरे, जो पिछले एक साल से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पेशेंट्स को हेल्प कर रहा है अलग अलग तरीके से। रियली अ ग्रेट गाय। ओ, यहाँ पे भी घर जाने का रास्ता पूरा सील कर दिया गया है, अभी घूम के जाना पड़ेगा। ओके, तो पिछले कई सालों से मैं इस बैग को ढूंढ रहा था और आज फाइनली बैग मेरे हाथ लग गया है। ओके, तो अभी जस्ट मैं घर पे आया और बढ़िया ब्रेकफास्ट हो गया। आज एक चीज मैंने सिटी में नोटिस की कि बहुत सारे जगह पे पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग कम से कम घर के बाहर निकले। एक तरफ से मैं जानता हूँ कि बैरिकेड्स की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को फ्लोटिंग होने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सोचे तो ये चीज जो है हो सकता है पब्लिक को बाहर आने के लिए रोकेगी, और उस वजह से कोरोना जिस स्पीड से स्प्रेड हो रहा है उस पर एक लिमिट लगेगा। तो अभी आया हूँ मैं मेरे टेरेस पे थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए, और फिर हम ओपन करेंगे इस बैग को और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। फाइनली इस बैग को मैं अभी ओपन करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कम से कम 15 साल हुआ रहेगा इस बैग को मैं ढूंढ रहा था, और आज फाइनली मेरे हाथ लगा है। तो चलो चेक करते हैं इस बैग में बचपन की क्या क्या यादें कलेक्ट की हुई है। ओके, मुझे भी याद नहीं है क्या है एक्चुअली। ओके, तो इसमें ये सभी मेडल्स है। स्कूल में जो कंपटीशन हुआ करता था उसमें मैंने पार्ट लिया था, तो वो टाइम पे मुझे मेडल्स दिए गए थे। ये मेडल मुझे लगता है कोई साइंस का क्विज कंपटीशन था, उस टाइम पे मुझे एज ए विनर ये मेडल दिया गया था। उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी इस मेडल से, क्योंकि मैं अकेला स्टूडेंट था जिसको ये मेडल दिया गया था। और ये वाला मेडल भी किसी कॉम्पिटिशन के लिए मिला हुआ है, लेकिन मुझे याद नहीं है, शायद कोई मैथ्स का कोई कॉम्पिटिशन था उसका होगा। तो अच्छा लगा ये सभी देख के। और क्या क्या है इसमें, ये सारे कॉइन्स के कलेक्शन है एक्चुअली। 2000 से लेके 2005 तक मुझे कॉइन्स का कलेक्शन का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था, तो वो टाइम पे मैं मतलब जहाँ भी कोई यूनिक कॉइन्स दिखते थे मैं कलेक्ट करता रहता था। तो उसमें से कुछ कॉइन्स यहाँ पे बचे हुए हैं, क्योंकि होम शिफ्टिंग 2-3 बार हो गया था, तो उस वजह से कुछ कॉइन्स शायद मिसप्लेस हुए रहेंगे। लेकिन जो कॉइन्स मेरे पास है मैं आपको दिखाता हूँ। ये 20 पैसे का कॉइन है, गोल्ड कलर का, जिसके ऊपर गांधी बापू का फोटो है। और ये नोट भी बंद हो गई है, ये आपको अभी शायद ही रेयरली दिखाई देगी। और बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं, ये वाले कॉइन्स अरब, उर्दू में इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, और ना जाने क्या क्या ये भी है। ये भी बहुत सारे अलग अलग कॉइन्स हैं, देख लो। वो टाइम पे भी मैंने इन कॉइन्स को कितना नीटली पैक करके रखा हुआ है। और ये कुछ पुराने नोट्स है,
नेपाल के है, इंडियन नोट्स है, जो करेंसी अभी बंद हो चुकी है और रेयरली आपको कहीं दिखाई देगी ये सभी। ओके तो ये सभी अंदर रख देते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या मिलता है अपने को। ये कुछ बॉक्स है, इसमें भी शायद कॉइन्स रहेंगे। अरे वाह, देख लो आप कितना मतलब सिस्टमेटिक मैंने पैक करके रखा हुआ है, कम से कम 15 साल पहले का कलेक्शन है ये। इनको भी अपन सेफली अंदर रख देते हैं। और ये रहा कुछ पेपर्स का कलेक्शन, मुझे आइडिया नहीं इसमें क्या क्या मिलेगा अपने को, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था बहुत सारे आर्टिकल्स लिखता था पेपर्स के लिए, और मुझे पेंटिंग का भी शौक था तो मैं बहुत सारे पेंटिंग्स किया करता था और बहुत सारे पेपर्स को कॉम्पिटिशन के लिए भेजा करता था। तो उसमें से अगर इसमें से कुछ मिलेगा अपने को तो मैं आपको दिखाऊंगा, वरना जो कुछ है वो चेक करेंगे। मुझे लगता है इस पेपर में मेरा नाम होना चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस का पेपर है, और इस पेपर के लिए मैं कुछ अलग अलग आर्टिकल्स लिख के भेजता था तो कहीं ना कहीं नाम रहेगा। ये देखो, मैंने वो टाइम पे कंप्यूटर के ऊपर कुछ आर्टिकल लिखा था और यहाँ पे देखो नाम आया हुआ है, ये रहा मेरा नाम यहाँ पे, और कॉलेज फर्स्ट ईयर में था तब का ये आर्टिकल है। और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मैं लिखता था अलग अलग टॉपिक के ऊपर, और कॉलेज का एक मैगजीन था उसके अंदर भी मैंने आर्टिकल लिखा था, तो बहुत सारा मतलब उसके बहुत सारे एडिशंस भी आए थे और बहुत सारे लोगों को वो आर्टिकल्स पसंद भी आए थे। अभी इसमें मैं सब तो दिखा नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन हाँ ये भी देख सकते हो आप, इंडियन एक्सप्रेस का पेपर है, इसमें भी कुछ आर्टिकल्स मैंने लिखे थे। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी कुछ आर्टिकल है, नाम आया हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे पेपर्स थे जिसमें मेरे आर्टिकल्स आया करते थे, सो मुझे नहीं लगता सब इसमें रहेंगे। ये वाला देखो कॉलेज का मैगजीन है, जीएसएस कॉलेज का, इस मैगजीन में भी मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे वो टाइम पे, मतलब एक अलग सा क्रेज था आर्टिकल्स लिखने का। सो ये सारी मतलब देख के यादें ताज़ा हो गई, बहुत सारा कलेक्शन है, इतना सारा एक साथ तो दिखा नहीं पाऊंगा आपको, जिसमें अपने छोटे छोटे आर्टिकल्स आया करते थे। ये क्या चीज़ है, खुल जा। हाँ, इसमें भी थोड़े कॉइन्स है, पूरे 1 पैसा से लेके 5 पैसा तक पूरे, मतलब ये आजकल आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगी। ये कलेक्शन मेरे पास तब से किया हुआ है, शायद आने वाले कुछ 10-15 सालों बाद मतलब ये कॉइन्स जो है म्यूजियम में आपको दिखाई देंगे। ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसमें बूमर नाम का च्विंगम आता था, जिसको हम बहुत मतलब मजे से एंजॉय करते थे खाते खाते। सो इसमें शायद वो रोल आता था स्ट्रिप टाइप, उसको कट करके खाया जाता था। इसमें भी मैंने मतलब कॉइन्स रखे हुए है, ऋतिक रोशन का फोटो लगाया हुआ है, क्योंकि वो टाइम पे ऋतिक रोशन का पहला मूवी आया था कुछ कहो ना प्यार है, उस मूवी का इतना क्रेज था कि हम लोग मतलब जहाँ जहाँ जो जो स्टिकर्स मिलते थे बुक्स पे या वहाँ पे लगा के रखा करते थे। वही सब कॉलेज के पेपर्स दिखाई दे रहे हैं, और फाइनली ये वाला बहुत ही पुराना दिखाई दे रहा है कुछ, इस पे लिखा हुआ है देखो मैंने धर्मेंद्र आर्ट्स फाइल, और ये मुझे लगता है बहुत ही पुराना है। इसका कंडीशन देख के आपको समझ में आ जाता होगा, ये देखो इसमें मेरे पेंटिंग्स आपको दिखाई देंगे। इसमें एक और कॉलेज का मैगजीन था सेकंड ईयर का, शायद ये सेकंड ईयर का है, इसमें भी आर्टिकल्स आए थे अपने, और ये है असली खजाना। ये देखो पे मैंने मतलब ड्राइंग की हुई है, बहुत ही मतलब छोटा था वो टाइम पे मैंने ये सभी भगवान के जो है ड्राइंग्स छोटे छोटे, यहाँ गणपति बप्पा, वो टाइम पे मेरे पास वाटर कलर्स नहीं हुआ करते थे तो मैं स्केच लेके ऐसे पेंटिंग बनाया करता था गणपति बप्पा का, और बहुत सारे अलग अलग है, मुझे नहीं लगता सब यहाँ मिलेगा आपको, लेकिन जो कुछ भी अपने हाथ लगा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो है कृष्ण भगवान का ड्राइंग मैंने किया था, और इसका कलर थोड़ा फेड हो गया है, लेकिन आप देख सकते हो कितना मतलब ब्यूटीफुल ड्राइंग मैंने बनाया था। और थैंक्स टू माय मॉम जिन्होंने ये फाइल को बहुत ही संभाल के प्यार से रखा हुआ है। सो ये सारी पुरानी मेमोरीज जो है ये सभी ताज़ा हो गई, और वो टाइम पे भी मुझे बहुत सारा शौक था ड्राइंग का, मैंने बहुत सारे मतलब ड्राइंग कॉम्पिटिशन में भी पार्ट लिया हुआ था, तो उसके भी कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो शायद इसमें नहीं है, किसी दिन अगर वो बैग मिल गया तो उसको भी ओपन करके मैं आपको दिखा दूंगा। वाला छोटा ड्राइंग महाभारत का है जो मैंने स्कूल टाइम पे ड्रॉ किया हुआ था। सो ये सभी चीज़ें मतलब बहुत क्या बोलते हैं ना, सालों बाद आज मैं देख रहा हूँ, मतलब एक अलग लेवल की खुशी हो रही है, क्योंकि स्कूल के बाद मैंने मतलब ड्राइंग करना छोड़ दिया था, और लगता है अभी लॉकडाउन में फिर से पेंट ब्रश उठाना होगा और कुछ अच्छा पेंटिंग या फिर ड्राइंग जब मूड बनेगा करके दिखाऊंगा मैं आपको। और इसके अलावा देखो, मैं बोल रहा था ना आपको, मतलब वो टाइम पे कहो ना प्यारे मूवी का इतना क्रेज था कि इस टाइप के स्टिकर्स आते थे, और मैंने पूरा मतलब जितने भी ऋतिक रोशन के जो ये थे स्टिकर्स या फिर एडवर्टाइजमेंट सभी मैंने कलेक्ट करके यहाँ पे रखे हुए थे। सो मैं और मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत ही मतलब ऋतिक रोशन का क्रेज था,
और हम लोग तब सोचते थे कि मतलब हम कब बड़े होंगे और जिम जाएंगे और इस टाइप की बॉडी बनाएंगे। ये था अपना खजाना जो आपके सामने मैंने ओपन किया। रियली बताऊं तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इन सब चीज़ों को देखते हुए। एक पुरानी यादें जो है ताज़ा हो गई। और आप लोग भी अगर अभी लॉकडाउन पे घर पे हैं, कोशिश कीजिए कुछ ऐसी चीज़ें, आपकी बचपन की चीज़ें आप ढूंढ के निकालें, कुछ ऐसा पुराना खजाना, ट्रेजरी बॉक्स ढूंढिए जिसमें आपकी बचपन की यादें भरी हुई हो। सच कहता हूँ बहुत देख के बहुत सारे मूवमेंट जो है पुराने, यादें ताज़ा हो जाएंगी। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।